नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पर। आज है 4 अगस्त 2020। आज के टॉप 15 न्यूज़ को 5 मिनट डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश खाद्य भंडारण प्रणाली का निर्माण करने वाला है। बांग्लादेश निर्माणाधीन तीन के अलावा देश में 5 और आधुनिक खाद्य भंडारण प्रणाली को निर्माण करेगा। यह विश्व बैंक के वित्त पोषित सहायता के साथ किया जाएगा और भंडारण क्षमता को बढ़ावा देगा, अनाज भंडार को क्षमता में सुधार करेगा। अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अगस्त 2020 को लोकमान्य तिलक स्वराज टूल सेल्फ रिलायंट इंडिया के विषय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशंस द्वारा आयोजित किया गया। अमित शाह कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए भाई। तारों का अभ्यास करने के लिए नासा का गुब्बारा भेजने वाला है। नासा की तारों और ग्रहों को बनने में रहस्यों खोज को पृथ्वी के समताप मंडल के किनारे एक विशाल गुब्बारा भेजने की योजना है। एस्थ्रोस मिशन दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका के प्रस्थान करेगा और 3 सप्ताह समताप मंडल में बिताएगा और वायुमंडल का वह भाग जहां ओजोन परत बैठती है। BFC 1 DGCA स्वीकृत ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब देश का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया। DGCA के नए क्लब को आवेदन में सुदूर संचालित विमान सिस्टम के लिए दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण आयोजन करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। यह संस्कृत दिवस हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन भाषाओं को केंद्रित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 11 महिला उद्यमी को पुरस्कार दिया जाएगा। 11 महिला उद्यमी को महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE को होड द्वारा सम्मानित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थन में प्रायोजित IIT दिल्ली की महिलाओं को पारिस्थितिक तंत्र और मजबूत करने वाले भारत की तरह से अनुदान दिया गया। इसमें 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी नेता के अमर सिंह का निधन हो गया। 2020 में समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ है। यह महासचिव को कई पार्टियों में संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उसके भाई शिवपाल यादव करीबी माने जाते हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 का शुभारंभ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 की शुरुआत की। यह पहल 6वीं और 11वीं कक्षा के विद्यालय के छात्रों के बीच विज्ञान में लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। छात्र समुदाय बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने उज्ज्वल पहचान कर उपलब्ध बनेगी। BR चौधरी पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख। एयर मार्शल BR चौधरी भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ के रूप में 1 अगस्त 2020 को पदभार संभालेंगे। यह बी सुरेश के से कमान संभालेगी। पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन 1 अगस्त 2020 को उत्तर त्रिपुरा से जिरानिया के लिए तय की गई। इस ट्रेन में 46 वैगन है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फिरोजपुर डिवीज़न के गुनियाना स्टेशन से 34 वैगनों में गेहूं लोड किया गया था और शेष में चावल को दलहन को लोड किया गया है। SARS-CoV-2 का 1000 जीनोम अनुक्रमण। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने SARS-CoV-2 के पैन इंडिया 1000 जीनोम का अनुक्रमण की सफलता समाधान को घोषणा की है। उन्होंने कहा बताया कि 16 वैक्सीन उम्मीदवार विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ बैठक की और उन्होंने DBT जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद में COVID-19 गतिविधियों को समीक्षा की। UAE परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश। जैसे कि बरकाह परमाणु संयंत्र की पहली इकाई 31 जुलाई 2020 को चालू हुई। UAE परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया। यह नया संयंत्र तेल और गैस पर कम निर्भर होने के लिए UAE के ग्राफ का हिस्सा है, जो अधिकांश ऊर्जा का वर्तमान स्रोत है। IPL 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक IPL 2020 खेला जाएगा। अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेज। महाराष्ट्र के इलेक्ट्रॉनिक संचार के IIT राज्य मंत्री श्री संजय गोत्रे ने 2 अगस्त 2020 को अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया। ग्रामीण भागों में सहित अकोला और बारसिंह जिलों में निवासियों को जब मांग पर वायरल इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन रहने के लिए ऐतिहासिक 2 महीने के मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। अंतरिक्ष यात्री डोंग हर्ले और बॉन बैनकेन हैं। 45 वर्षों में US अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली बार उतारा गया था, जिसमें पहला व्यापारिक रूप से निर्मित और संचालित अंतरिक्षयान लोगों को कक्षा तक पहुँच गया। इसमें SpaceX चालक दल के लॉन्च को रास्ता साफ कर दिया। दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।